आज माननीय मुख्यमंत्री अमन जी का कार्यक्रम रेडी का है और जिस प्रकार जिला प्रशासन रेडी ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें एक शब्द मुस्लिम क्रियावादी संगठन का जिक्र किया है, जिसका मैं निंदा करता हूँ। और मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पर आपने मुस्लिम क्रियावादी शब्द का प्रयोग किया। मैं जानना चाहता हूँ कि इस झारखंड में कितने मुस्लिम क्रियावादी संगठन ऑपरेशनल हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये बताने का कृपा करें। बेवजह हमारा समाज, हमारे मुस्लिम समाज को अगर आप कोट करके टारगेट कीजिएगा, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस समाज के कारण आज हमारी सरकार का गठन हुआ, हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। उसे तो समाज में इज्जत मिलना चाहिए, लेकिन कुछ पदाधिकारी के कारण, कुछ नेगेटिव माइंडेड पदाधिकारी के कारण सरकार की छवि खराब हो रही है। इस समाज को जलील किया जा रहा है। आपने देखा रांची में भी, मैंने कहा भी था, रांची के जो कांड हुआ उसमें 2 मुसलमानों को मार दिया गया, युवाओं को मार दिया गया, मैंने विरोध किया था उसका। आज फिर पदाधिकारी गलत गलत भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और मैं वैसे पदाधिकारी को कहना चाहता हूँ, ये झारखंड है तो पाकिस्तान नहीं है। झारखंड में सब लोग, सब भाई लोग मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, दिन भर यहाँ मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना निकालते हैं, रात में बाल बच्चों को खाना खिलाते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं। यहाँ उग्रवादी कहाँ से मिलेगा, यहाँ मुस्लिम संगठन को उग्रवादी कहाँ से मिलेगा? कम से कम सरकार से, मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा, ऐसे पदाधिकारी को चिन्हित करके कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, ताकि जो समाज ने सरकार को बनाया है उसको सम्मान मिल सके। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।